हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, अगर तुम मेरे अभी रिसेंट वीडियोस देख रहे हो तो यू ऑलरेडी माइट नो कि बार्सिलोना इज मेकिंग मूव्स। लेवेंडोस्की का भाई साहब बहुत क्लियर अभी समझ में आ रहा है कि हाँ, लेवेंडोस्की कैन मूव टू एफसी बार्सिलोना एंड इट कैन हैपन। बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि हाँ, इट कैन हैपन अगर हालैंड वाली डील जो है वो फेल होती है। तो मोहम्मद सलाह का रिसेंट रिपोर्ट आ रहा है कि मोहम्मद सलाह इज ऑन द रडार ऑफ एफसी बार्सिलोना इफ ही यू नो व्हाट डस नॉट रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट एट लिवरपूल। ऑफ कोर्स मोहम्मद सलाह के ऊपर नजर बनी हुई है बार्सिलोना की, एंड मोहम्मद सलाह भी जो है वो आ सकते हैं। बट यू नो व्हाट, देयर आर सम प्लेयर्स जिनके बारे में कंफर्मेशन मिल चुकी है। मतलब लेवेंडोस्की मोहम्मद सलाह के ऊपर तो कंफर्मेशन नहीं मिली है, मतलब ये र्यूमर ही एक तरीके से तुम ले सकते हो, बट देयर आर सम प्लेयर्स जिनके ऊपर जो है वो कंफर्मेशन मिल चुकी है। एंड उन प्लेयर्स का नाम ऑफ कोर्स क्रिश्चियनसन है, फ्रैंक कैसी है, एंड ऑफ कोर्स नन अदर देन रफीना है। रफीना भाई साहब लीड्स के प्लेयर हैं, और अगर रफीना आते हैं तो कैसा रहेगा बार्सिलोना के लिए, वी गोना टॉक अबाउट दैट इन टुडेस वीडियो। और क्या जरूरत है कि नहीं हमको रफीना की, क्योंकि उस्मान डेम्बेले एडमा ट्रेवरे, इन दोनों का क्या होगा फिर यार। तो आज की वीडियो में हम लोग इन स्किप के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई साहब, वन फुटबॉल का तहे दिल से धन्यवाद फॉर कंटिन्यू रिस्पॉन्सिप ऑन आवर चैनल। देखें, वन फुटबॉल इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल ऐप फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस आउट देयर। अगर आप भाई साहब फुटबॉल की जगह से जो है वो अपडेटेड रहना चाहते हैं न्यूज़ वगैरह से, तो वन फुटबॉल ऐप को अभी के अभी डाउनलोड कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आपको अपडेटेड रखेगा फुटबॉल से रिलेटेड हर एक न्यूज से, प्लस आपको लाइव मैचेस के लाइव स्कोर्स, टीम शीट, हर एक चीज जो है वो प्रोवाइड करवा देगा। तो फ्री अवेलेबल ऐप है, एंड डाउनलोड कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एनीवेज भाई साहब, सो ऑफ कोर्स लेट्स टॉक अबाउट रफीनिया, लेट्स टॉक अबाउट एम्बापे एज वेल, क्योंकि ओ माय गॉड, ये क्या हमको सुनने मिल गया था, एम्बापे टू रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड का बार्सिलोना, हाउ दिस कैन बी हैपनिंग, क्योंकि एम्बापे तो रियल मैड्रिड का बंदा है ना, तो ये बार्सिलोना वाली क्या सीन समझ में आ रही है। तो ऑफ कोर्स उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो लेट मी लाइक वेरी क्लियरिफाई यू एम्बापे वाली डील। आई वॉज अबाउट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बट अनफॉर्चुनेटली असाइनमेंट्स का लोड इतना ज़्यादा भाई साहब कि वीडियो नहीं बना पाए। बट अब मैं आपको बता, इट्स वेरी क्लियर है ना, एम्बापे इज गोना मूव टू रियल मैड्रिड ओनली, कुछ भी हो जाए दुनिया में। देखें, ये सब खबरें के ऊपर जो है वो आप मत विश्वास करा करो, ठीक है। इट्स बीन लाइक ईयर्स वी हैव बीन हियरिंग दिस कि भाई एम्बापे टू रियल मैड्रिड इज़ वेरी 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 क्लोज। एम्बापे को खरीदने के लिए रियल मैड्रिड ने 190 कुछ मिलियन का बिड भी रखा था पीएसजी को पिछले विंडो में, तो पीएसजी ने उसको नकार दिया था। तो यू नो व्हाट, रियल मैड्रिड इज क्लियर अबाउट एम्बापे, एम्बापे इज क्लियर अबाउट रियल मैड्रिड। वन एल क्लासिको का रिजल्ट यू नो व्हाट चेंज नहीं करने वाला है एम्बापे की जो है वो ड्रीम्स को। तो ऑफ कोर्स यार, ये बहुत बड़ा बुलशिट था। ऑफ कोर्स न्यूज़ आई थी स्पोर्ट की तरफ से जो बहुत ही रिलायबल है स्पेन में, बट स्टिल यार एम्बापे टू बार्सिलोना, वी आर नॉट यू नो व्हाट एबल टू अफोर्ड हालैंड उसकी वेजेस वगैरह के। हाउ डू यू लाइक लिटरली थिंक कि हम एम्बापे को अफोर्ड कर पाएंगे विद द अमाउंट ऑफ वेजेस विच रियल मैड्रिड इज यू नो व्हाट ऑफरिंग हिम? ऑफ कोर्स नो चांस। सो एम्बापे का तुम जान रहे हो, वो रियल मैड्रिड है, नो वेयर ही इज यू नो व्हाट क्लोज टू एफसी बार्सिलोना। टॉकिंग अबाउट सम प्लेयर्स हु आर क्लोज टू एफसी बार्सिलोना, उनका नाम है एक रफीना। तो देखें, रफीनिया जो है, देखें रफीना जो भी होगा यार, तुम समझ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, हाथ मिला लो ना यार, काय को कमेंट सेक्शन में भसड़ मचाने की, ये नहीं होता भाई, ये होता, प्लेयर्स का नाम तो सही से ले लें, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। सो देखें, अगर रफीना के बारे में बात कर लें तो ऑफकोर्स लीड्स के प्लेयर हैं, एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, देखो आई एम नॉट सेइंग कि मैं प्रीमियर लीग इतना ज़्यादा देखता हूँ कि मैं हर एक टीम के हर एक बंदे के बारे में जानता हूँ, बट आई हैव सीन हिम प्लेइंग हल्का फुल्का लीड्स में, ठीक है। ऑफकोर्स बीएलसा थे तो उसका फुटबॉल शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन यू नो व्हाट, मैं अगर एक करूँ ना रफीना के बारे में, ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर जिसके बारे में तुम ये कह सकते हो कि यार इसको ना हेल्प नहीं मिलती इसके टीममेट से, ही हैज दैट पोटेंशियल इन हिम यू नो व्हाट टू बी वन ऑफ द स्टार प्लेयर्स यूरोप में, लेकिन उसके इर्द गिर्द के प्लेयर्स ना उसको हेल्प नहीं करते हैं। लेकिन मैं अगर इमेजिन करूँ रफीना को एफसी बार्सिलोना जैसी सिस्टम में, जहाँ पे यू नो व्हाट आपको आपका पर्सनल ग्रोथ तो होगा ही चावी के अंडर, मोर ओवर आपको टीममेट्स की तरफ से जो है वो हेल्प भी मिलेगी। रफीना कैन लिटरली वेरी वेल यू नो व्हाट सक्सीड एट एफसी बार्सिलोना। नाउ देखें, रफीना वाली डील इसलिए भी हो रही है क्योंकि बार्सिलोना का बोर्ड ये बिलीव करता है कि उस्मान डेम्बेले हैज़ ऑलरेडी अ कॉन्ट्रैक्ट विद सम अदर क्लब, प्री अग्रीमेंट इनके बीच में साइन हो चुका है और उस्मान डेम्बेले नहीं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने वाले हैं, इसलिए वे आर गोइंग फॉर रफीना। बट यू नो व्हाट, ये एक क्वेश्चन जो है वो ला रहा है कि अगर हम रफीना को ले आएंगे तो एडमा ट्रेवरे का क्या होगा यार? लेट मी क्लेरिफाई यू दिस कि एडमा ट्रेवरे लोन में है एफसी बार्सिलोना में, ठीक है, और ये डील अभी कन्फर्म नहीं है। जो वुल्स है वो 35 मिलियन यू नो व्हाट सीख कर रहे हैं एडमा ट्रेवरे के ऊपर, बट बार्सिलोना 35 मिलियन देने के लिए तैयार नहीं है। बार्सिलोना ये सोच रही है कि फ्रांसिस्को ट्रिनकाओ के साथ थोड़ा सा यू नो व्हाट बार्गेन कर लो, एक्सचेंज वगैरह कर लो, अगर ये हो जाता तो भाई वेल एंड गुड हो जाएगा एडमा ट्रेवरे के लिए। बट यार बीइंग वेरी ऑनेस्ट, देखो सच बताऊँ, फ्रांसिस्को ट्रिनकाओ को मेरे ख्याल से वुल्स नहीं रखना चाहिए। एडमा ट्रेवरे बहुत ही प्यारा प्लेयर है यार, मतलब अगर देखें आप गोल्स और असिस्ट को तो साइड रख दें, ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट हिज एबिलिटीज भाई साहब अपरंपार है। यू हैव सीन हिम प्लेइंग, ड्रिबल कैसे करता है, पेस कितनी ज़्यादा है, फिजिकलिटी कितनी प्यारी है। मोर ओवर भाई,
90 मिनट्स में सबसे ज़्यादा ट्रिबल करने वालों में से प्लेयर में से एक है आर्मर ट्रेवारे, एंड ही हैज़ बीन लाइक एसेंशियल टू एफसी बार्सिलोना का राइट विंग जब जब उस्मान डेम्बेले हमको देखने को नहीं मिला है। ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरी ओपिनियन है कि वी शुड एटलीस्ट हैव टू विंगर्स एक साइड में। तो अगर देखें उस्मान डेम्बेले साइन नहीं करता है, देन मेरे हिसाब से रफीना और आर्मर ट्रेवारे को दोनों को रखना चाहिए, क्योंकि मैं फ्रांसिस्को ट्रिनकाओ को नहीं देखता हूँ बार्सिलोना में सक्सीड होते हुए। मैं ये चाहता हूँ कि फ्रांसिस्को ट्रिनकाओ भाई आप बेच दें या कुछ कर लें, आई डोंट केयर, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि रफीना और आर्मर ट्रेवारे ये दोनों की जो है वो जुगलबंदी हमको देखने को मिले राइट विंग में। देखिए रफीनिया एक ऐसा प्लेयर है भाई, अगर उसको हेल्प मिलने लग गया ना टीममेट से, आग लगा देगा, गजर मजा देगा। एंथनी से तुम लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जेस्ड हो, आई नो, क्योंकि तुमने ना स्किल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखी है एंथनी की यूट्यूब में, और तुमने उसके फर्स्ट टचेस वगैरह देखे हैं, गेम प्ले देखे हैं। ये शशकेबाजी नहीं रफीना के पास, रफीना पेसी है, रफीना भाई साहब कट इनसाइड करता है, उसके तुम लॉन्ग बॉल्स देखोगे ना तो तुम्हारे भाई साहब लार चुहा जाएंगे, वो इतने प्यारे पासेस डालता है। मैं उसको देखता हूँ ना तो मेरे को लगता है कि ये एक ऐसा प्लेयर है जो एफसी बार्सिलोना के सिस्टम में स्टिक होने वाला है। मोर ओवर देखें, ये जो नया एफसी बार्सिलोना का सिस्टम आया है ना, इस सिस्टम में ना मेरे को नहीं लगता है कि फ्रांसिस्को ट्रिनकाओ रह पाएंगे। मैं यहाँ पे एलेक्स कुआदो को भी राइट विंग में नहीं देखता हूँ। क्यों नहीं देखता हूँ? क्योंकि ये जो नया चावी का सिस्टम है मेरे दोस्त, ये ना वाइड बहुत ज़्यादा है, विंगर्स को चाहता है कि ये वाइड काफ़ी ज़्यादा रहे। तो अगर विंगर्स वाइड रहने वाले के हम बात करें ना, तो ऑफकोर्स उस्मान डेम्बेले एक ऐसा विंगर है जो वाइड रहेगा, विद प्रोवाइड करवाएगा। आर्मर ट्रेवारे एक ऐसा विंगर है जो हमको विद प्रोवाइड करवाएगा। रफीना एक ऐसा विंगर है जो हमको विद प्रोवाइड कराएगा। बट टॉकिंग अबाउट फ्रांसिस्को ट्रिनकाओ, नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो ड्रिबलिंग वाली क्वालिटीज़ नहीं है ना। अगर आप वाइड रहोगे विंग्स में, अगर आप विद प्रोवाइड करवाओगे, तो यू नीड टू यू नो वॉट एबल टू ड्रिबल पास्ट दो तीन डिफेंडर्स, उनके फुल बैक से आप ड्रिबल कर पाओ, क्रॉसेस डाल पाओ। आई डोंट सी फ्रांसिस्को ट्रिनकाओ डूइंग दैट। एंड ऑफकोर्स टॉकिंग अबाउट एलेक्स कुआदो, देखें एलेक्स कुआदो इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर। आई हैव पर्सनली सीन हिम प्लेइंग एट एफसी बार्सिलोना का बी, मैंने उसके गेम्स देखे हैं, लिटरली 90 मिनट मैंने बार्सा बी के गेम्स एलेक्स कुआदो के नाम पे देखे हैं। वो ना ये विथ प्रोवाइड करने वाला विंगर नहीं है यार, क्योंकि वो बंदा हमको विथ नहीं प्रोवाइड करा सकता। ही इज अ बार्सिलोना विंगर, यू नो, इन्वर्टेड विंगर जो कट इनसाइड कर लेगा, अंदर घुस जाएगा, और वो विंग के स्पेसेस को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, वो विद नहीं दे पाएगा। बट रफीना इज वन ऑफ दोज प्लेयर, आर्मर ट्रेवारे इज वन ऑफ दोज प्लेयर, एंड दिस इज द वेरी सोल रीजन इफ उस्मान डेम्बेले लीव्स एफसी बार्सिलोना, आई वॉन्ट रफीना, आई वॉन्ट आर्मर ट्रेवारे टू बी एट एफसी बार्सिलोना। नाउ इट्स वेरी क्लियर दैट अंसु फाटी विल बी रिटर्निंग एक आध दो मंथ के बाद, एंड अंसु फाटी लेफ्ट विंग में रहेंगे, स्ट्राइकर बनकर भी खेल सकते हैं, अबामयांग रहेंगे, लेवेंडोस्की रहेंगे, एंड ऑन द राइट विंग अगर उस्मान डेम्बेले चले जाते हैं, वील हैव रफीना, वी हैव आर्मर ट्रेवारे, अगर ट्रेवारे को रखती है बार्सिलोना, विच आई वॉन्ट बार्सिलोना टू यू नो वॉट रखना, कि भाई आप आर्मर ट्रेवारे को प्लीज़ रख लो, क्योंकि ही इज अ प्लेयर जो कुछ ऐसे काम कर रहा है जो यूरोप में और कोई बंदे नहीं कर पा रहे हैं। बट इफ मोहम्मद साला डस नॉट रिन्यूज विद लिवरपूल, देन आई डोंट पर्टिकुलरली थिंक दैट देयर इज एनी अदर प्लेयर बेटर देन मोहम्मद साला एट दिस मोमेंट राइट विंग के लिए। एंड आई सेड इट ऑन रिकॉर्ड, इवन लियो मेसी को भी मैं नहीं कंसिडर करूंगा आज के मामले में। लियो मेसी तो भाई अलग लेवल पे है, बट सीइंग दैट बार्सिलोना सिस्टम, आई वॉन्ट मोहम्मद साला विद अस, इफ दैट हैपेंस, ठीक है, अगर हो जाता है तो। अगर नहीं होता है तो ऑफकोर्स वी कैन सेटल ऑन रफीना, वी कैन सेटल ऑन आर्मर ट्रेवारे, एंड ऑफकोर्स लेवेंडोस्की आ जाते हैं तो वायरे नारे लग जाएंगे भाई, क्या ही बात हो जाएगी। एंड आई नो यू नो वॉट बार्सिलोना इज चेंजिंग मैन, यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट इनफ। देखिए रफीना आ जाएगा, ठीक है, इट्स क्लोज, बस लीड्स के साथ एक डील जो है वो फिगर आउट करनी है, एंड अगर लीड्स रेलीगेट हो जाती है तो रिलीज क्लॉज 35 मिलियन हो जाएगा, और अगर रेलीगेट नहीं होती तो रिलीज क्लॉज इज अराउंड 65 मिलियन, एंड यू नो वॉट, वी कैन सेटल ऑन 50 मिलियन अराउंड, एंड इट्स गुड फॉर रफीना, 50 to 40 मिलियन इज गुड, ही हैज़ दैट कैपेबिलिटी, यू नो, जैसे फ्रान टोरेस था ना, ही हैड दैट कैपेबिलिटी, बट ऑफकोर्स उसको उसके टीम मेट्स की तरफ से जो है वो हेल्प नहीं मिल रही थी। रफीना इज वन ऑफ दोज प्लेयर, अगर टीम मेट्स हेल्प करेंगे तो भाई साहब रफीना कैन यू नो वॉट फ्लरिश एट एफसी बार्सिलोना। एंड yeah, so this attacking line, I'm looking forward to watch Ansu Fati, Rafinha, Adama Traore, Aubameyang, Lewandowski, maybe Mohamed Salah. We need to sign a left winger particularly. Memphis Depay, yeah, ठीक है, but left winger, एक left winger के ऊपर नतर बनाओ यार, वो Neymar के बाद वाला void fill कराओ यार left wing में, I want that it to happen. And Ansu Fati can do that, I know, but I see Ansu Fati more playing as a false nine, या फिर ये कह सकते हो ऐसा inverted winger, but वो with वाली wing वाली बात
अगर कोई हमको नेमर वाली बात खिलवा देना भाई लेफ्ट विंग में, देन ये एफसी बार्सिलोना के जो भाई साहब गेम रहेगा ना, इट विल बी लाइक आई हाय। एनीवेज, ये बात होगी अटैक के बारे में एफसी बार्सिलोना की। आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट इनफ, आई नो आई हैव सेड इट लाइक मिलियन टाइम्स ऑन दिस चैनल, बट क्या करें भाई, कॉलेज का काम है एंड कॉलेज ठीक है ना, करते हैं कोशिश। एनीवेज, लाइव वगैरह करते हैं कल से, ठीक है, चलो ठीक है, बाय, लव यू। चलो बाय। आई मिस्ड मेकिंग वीडियोज यार, एक आध दो दिन का भी गैप हो जाता था, आई मिस डूइंग दिस, बट असाइनमेंट्स के क्या कर, देख रहे हो डार्क सर्कल, देख रहे हो भाई, रात रात भर जग के असाइनमेंट बनाते हैं अपन। एनीवेज, चलो बाय।